हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हैवी ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ कुछ पीस कट करके रखी हुई है। 9 इंच डायमीटर में हमने एक असर की फैब्रिक कट करके रखा हुआ है, 9 इंच डायमीटर में एक बुकरम कट करके रखा हुआ है और एक लाइनिंग की फैब्रिक को हमने यहाँ 10.5 इंच डायमीटर में कट करके रखा है। सबसे पहले आप बड़े वाले पीस के ऊपर इस तरह बुकरम को रख के फिर छोटे वाले पीस को रखते हुए पूरी सर्कल यहाँ स्टिच लगा लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने पूरी सर्कल स्टिच लगा लिया है। अब बड़े वाले फैब्रिक को आप इस तरह किनारे की ओर मोड़ते हुए पूरी सर्कल आप स्टिच लगा लें। यह हमने पूरी सर्कल स्टिच लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप इसे कट करके पूरी सर्कल से निकाल दें। यह हमने पूरी सर्कल से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब जिस ओर आपने कट लगाया है फैब्रिक में उस ओर ही आप इस तरह फोल्ड कर लें। यहाँ अब हम कमर मार्क करेंगे। तो 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम ड्रेस तैयार कर रहे हैं, तो 1 इंच और 0.75 इंच के बीचों बीच जो मार्क है हमें यहाँ इस तरह मार्क करनी है। तो पूरी सर्कल आप इस तरह मार्क कर लें। इस तरह हम पूरी सर्कल मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ हमने पूरी सर्कल कमर मार्क कर ली है। अब आप यहाँ एक किनारे मार्क के इस किनारे से हम 1/4 इंच इस ओर से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। यहाँ हमने पूरी सर्कल पे स्टिच लगा लिया है। अब आप यहाँ मार्क पे कट कर लें। यह हमने पूरी सर्कल कट लगा लिया है। अब यहाँ इस तरह आप मार्क करें, 3.5 इंच की लंबाई आ रही है। तो सबसे पहले हम नीचे की ओर से 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ इस तरह आप पूरी सर्कल 2 इंच पे नीचे की ओर से मार्क कर लें और यहाँ इस तरह बराबर रखें। यहाँ आप हाफ मार्क लगा लें नीचे की ओर, और इस ओर भी आप नीचे की ओर से 2 इंच पे पूरी सर्कल हम मार्क कर ले रहे हैं। आगे फिर दिखला रहे हैं आपको। यहाँ हमने पूरी सर्कल नीचे की ओर से 2 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ हमने कुछ नेट के पीस कट करके रखे हुए हैं, येलो और ग्रीन कलर की। नेट की जो लंबाई है वो हमने पूरी ही कट की है, पूरी अर्ज कट की है, और नेट की जो चौड़ाई है वो 5 इंच चौड़ाई में हमने नेट कट कर लिया है। यहाँ ग्रीन कलर के कुछ पीस हमने कट करके रखे हैं और कुछ येलो में यहाँ इस तरह कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ इस तरह फोल्ड कर लें, इधर किनारे की ओर कोर भाग को कट करके सबसे पहले निकाल दें। यहाँ डबल फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरह नेट को मोड़ते हुए हम पूरी में स्टिच लगा लेंगे। पहले हमने यहाँ पूरी में स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ फ्रिल तैयार करेंगे। तो आप इस तरह प्लीट को पहले सेट कर लें, नीचे की ओर आप बराबर यहाँ रखें। इस तरह नीचे की ओर से आप यहाँ बराबर रखते हुए ऊपर की ओर हम स्टिच लगाएंगे। या इस तरह हम पूरी में फ्रिल तैयार कर ले रहे हैं। आप येलो कलर और ग्रीन कलर की पूरी फ्रिल तैयार कर ले, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ नेट की फ्रिल यहाँ खत्म हो गई है। तो इस तरह 1/2 इंच यहाँ मोड़ते हुए
हम यहाँ किनारे की ओर रख के यहाँ से जॉइंट कर देंगे। यह हमने पूरी फ्रिल स्टिच कर ली है। अब ऊपर की ओर आप बराबर कट लगा लें। इस तरह ही हम येलो नेट में भी फ्रिल तैयार कर ले रहे हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ हमने येलो नेट में भी फ्रिल स्टिच कर लिया है। अब यहाँ जो हमने मार्क लगाया था यहाँ इस तरह रखते हुए स्टिच लगाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखें, जो इस लाइन के यहाँ पैरेलल हमने यहाँ एक और मार्क किए थे, हमें ग्रीन कलर की जो नेट है यहाँ तक ही हमें स्टिच करनी है। तो यहाँ से आप सबसे पहले स्टिच लगाना शुरू कर लें। एक्स्ट्रा नेट को आप यहाँ कट करके निकाल दें। अब येलो वाले फ्रिल को भी यहाँ रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो मार्क पे आप येलो वाले फ्रिल को रखें, किनारे की ओर आप थोड़ी इस तरह मोड़ लें और यहाँ मार्क पे रखते हुए इधर की ओर भी हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा नेट को हम कट करके निकाल देंगे। हमने यहाँ पूरी सर्कल स्टिच लगा लिया है, हाफ में ग्रीन और हाफ में येलो। अब यहाँ इस तरह घुमा लें, जिस ओर ग्रीन कलर है उस ओर हम येलो फ्रिल को स्टिच करेंगे। ऊपर वाली जो फ्रिल है यहाँ इस तरह 4 इंच की नेट को डबल करके आप 2 इंच के फ्रिल को तैयार कर लें। अब यहाँ किनारे इस तरह रखते हुए हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। अब इधर ग्रीन नेट को यहाँ रखते हुए स्टिच लगाएंगे। येलो कलर की फ्रिल जहाँ यहाँ ख़त्म हो रही है ठीक इसके ऊपर ही आप यहाँ इस तरह रखते हुए स्टिच लगाना शुरू करें। हमने यहाँ पूरी सर्कल स्टिच लगा ली है। अब यहाँ दोनों किनारे हमें लॉक करना है। यहाँ हमने ग्रीन कलर की नेट लिया हुआ है। नेट की लंबाई 1.75 इंच है। यहाँ इस तरह डबल कर लें और यहाँ पीछे की ओर रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो किनारे की ओर आप सबसे पहले इस तरह फोल्ड करें और यहाँ मोड़ते हुए यहाँ रख के स्टिच लगा लें। अब यहाँ सामने की ओर पलटते हुए स्टिच लगा लेंगे। इस तरह ही हमें इस किनारे भी लॉक कर ले रहे हैं। हमने यहाँ दोनों किनारे पे लॉक कर दिया है। अब हम निफा स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ नेट लिया हुआ है ग्रीन कलर की। इसकी चौड़ाई 3 इंच की है। यहाँ किनारे की ओर सबसे पहले इस तरह मोड़ के आप यहाँ डबल करते हुए पीछे की ओर रख के हम स्टिच लगाएंगे। अगर आप नेट फैब्रिक से निफा को स्टिच कर रहे हैं तो स्ट्रेट नेट को ही कट करें, और अगर आप अस्तर वाले फैब्रिक से निफा स्टिच करना चाहते हैं तो आप तिरछा पट्टी कट करके तब निफा को स्टिच करें। यहाँ 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा रखते हुए कट लगा लें एक्स्ट्रा नेट को। यहाँ आप सामने की ओर पलटेंगे और यहाँ अब हम डोरी को ऐड करेंगे। डोरी में लटकन तैयार करने के लिए यहाँ हमने नेट फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई 2.75 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। यहाँ इस तरह आप डबल करें और फिर से इस तरह आप मोड़ते हुए यहाँ डोरी को स्टिच लगाएंगे।
यहाँ इस तरह हमने सीधा कर लिया है। हमने यहाँ दोनों किनारे लटकन लगा दिया है। अब यहाँ सामने की ओर डोरी रखते हुए यहाँ हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह आप पहले किनारे की ओर मोड़ लें, यहाँ रखते हुए स्टिच लगा लें। पूरी घेर बनके तैयार हो गई है। अब हम चोली स्टिच करेंगे। चोली के लिए हमने यहाँ नेट फैब्रिक लिया हुआ है। नेट फैब्रिक की चौड़ाई 5 इंच की है और लंबाई 13 इंच की है। सबसे पहले आप सीधे तरफ, ये उल्टा साइड है, हम इस तरह सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। फिर से आप इस तरह फोल्ड करें और यहाँ इस तरह। इसकी जो चौड़ाई है आप 1 इंच के लगभग यहाँ फोल्ड कर लें। यहाँ इस तरह हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ 1.5 इंच चौड़ाई की एक ग्रीन नेट लें और यहाँ डबल कर लें। इस तरह डबल करते हुए हमें यहाँ इस तरह रखते हुए स्टिच लगानी है। अब यहाँ इस तरह रखते हुए स्टिच लगा लें। यहाँ 1.5 इंच के लगभग आप स्टिच कर लें। अब यहाँ इस तरह यहाँ बराबर पकड़ते हुए इधर पहले मार्क कर लेंगे और यहाँ इसे भी। ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ मिरर लेस लिया हुआ है। इसे ग्रीन कलर और येलो कलर की यहाँ मिरर को कट करनी है इस तरह। यहाँ मिरर लेस को इस तरह ग्रीन के ऊपर येलो को यहाँ पेस्ट करना है। तो आप पहले इस तरह अरेंज कर लें और येलो के ऊपर आप ग्रीन कलर के मिरर को रखें। अब यहाँ एक ग्रीन कलर के मिरर को यहाँ पे पेस्ट कर दें। 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनकर तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।